आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप ग्रुप एक्सरसाइज में 10 से 15 मिनट, अगर आपके पास जिम भी नहीं है, आप एक अपना आस पड़ोस का एक ग्रुप बना लो, 5-6 लड़कियां हों लड़के हों, और 10 मिनट के अंदर आप कैसे वेट रिड्यूसिंग एक्सरसाइज कर सकते हो और कैसे कम्बिनेशन। वेरी सिंपल, क्योंकि कई बार बंदा कहता है यार स्टार्ट करूँगा जाऊँगा। आप अपनी छत के ऊपर, आप अपने बाहर सहन में जो आपका बरामदा है उसके अंदर 5-4 बच्चे खड़े हो जाओ, 4 नहीं है 3 हो जाओ, 3 ही 2 है, 2 नहीं 1 भी है, तो आप उसको वेट रिड्यूसिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। मैंने जेन्युइन बच्चे इसलिए ले रहा हूँ कि रियल में जिनका वेट कम करना है, वो इसलिए कि ये आपको लगेगा यार भारी, क्योंकि इनका वेट हम कम कर रहे हैं विदाउट, अभी तक किसी को हमने फैट बर्नर ये अभी कुछ नहीं खिलाया जी। अभी जेन्युइन जैसे गर्म पानी, सब्जियों का सूप, सब्जियां, सलाद, उससे हम इनको चला रहे हैं। ये नहीं कि हम फैट बर्नर यूज़, अभी हमारे को मुझे लगता है कि अभी फैट बर्नर तो नहीं खाया किसी ने, कोई पैसे तो नहीं दिया आपको बोलने के नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। और मेरे साथ ये देखो, यू कैन बी यंग टिल कितनी एज है विकास, 49 ईयर्स बंदा है। एक्सरसाइज आपको कितने साल तक यंग रख सकती है आप देख लीजिए, ये है जिम का कमाल। आपको एक्सरसाइज, इफ़ यू डू एक्सरसाइज विल बी यंग टिल 70, ठीक है। चलो थोड़ा इनको लीड कर लो, एक दो सेट कर लो, मैं ठीक 10 मिनट आप इनको वर्जिश कराऊंगा। मुकेश जी को बीच में से हटा दूंगा, पहले ये लीड करेंगे, थोड़ा पीछे थोड़ा खुश हो, इधर आ जाओ आप, लीड इधर आओ, इधर आओ, हाँ चलो आप इधर आओ, ठीक है करो, इधर आओ, चलो 10 मिनट ठीक, मैं घड़ी देखकर एक्सरसाइज करा रहा हूँ, पीछे घड़ी है, और 10 मिनट के अंदर आप देखना इनको रेस्ट भी दूंगा और इनका कैसे बुरा हाल हो जाएगा वर्जिश करते करते। चलो स्टार्ट, जंप, स्पॉट रनिंग, twisting, PT, शाबाश शाबाश, रिलैक्स, फॉरवर्ड बेंडिंग, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। अभी मैं रेस्ट ले रहा हूँ, ठीक 10 मिनट रोज लगाएंगे ना ऐसे, आप देखना बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। फिर चलो स्टार्ट, जाओ only 10 minutes exercise and you can reduce your weight every day, 10 minutes workout, spot running, कोई ट्रेडमिल ना भी हो आप अपने जगह पे खड़े खड़े ये सब कर सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ा ग्राउंड भी नहीं चाहिए। ट्विस्टिंग, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, पीटी, कोई भी बहाना आप 10 मिनट देख के घड़ी देख के लग जाएं, आपका वर्कआउट पूरा हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ओनली 10 मिनट्स वर्कआउट, उसके बीच में मैं रेस्ट भी दे रहा हूँ। रिलैक्स, फॉरवर्ड बेंडिंग, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. एटलीस्ट 30 to 40 सेकेंड्स में रेस्ट जरूर देता हूँ बीच में। रिकवरी टाइम मसल को रिकवरी चाहिए, इसलिए 10 मिनट के अंदर आप कोई बिना पैसा खर्चे अपना वज़न कम कर सकते हो, लेकिन रेगुलर रूटीन में आपको ये करना है। अगर आप रेगुलर करेंगे तो मेरी गारंटी है, अगर 15 से 20 मिनट हो तो सोने पे सुहागा, लेकिन फिर भी नहीं टाइम है तो 10 मिनट अपने होटल के कमरे में, अपने ड्राइंग रूम में, कहीं भी कर सकते हैं। चलो स्टार्ट अगेन, जंप। जंप ऑलवेज ऑन टोज। लोग पूरा ऐसे कूदते हैं, वो नहीं, ऑलवेज ऑन टोज और हल्का जंप लेना है ताकि आपकी नी पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़े। स्पॉट रनिंग ये भी ऑन टोज। देखो आप, ये तरीका बिल्कुल ठीक है। ट्विस्टिंग, पीटी, रिलैक्स, फॉरवर्ड बेंडिंग। स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। याद रहे, ये जो फॉरवर्ड बेंडिंग है, जब आपने शुरू की एक्सरसाइज और आपने पहले कभी नहीं की, ये जो फॉरवर्ड बेंडिंग है इसको पहली बार में आप पहले दिन 10-10 के 2 सेट करेंगे। थोड़ा आपको इधर स्टिफ हो जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे उसको 10 से 15 करें, फिर 15 से 20 करें। एकदम पहले दिन ही 50 ना करें, और ये भी मत सोचें कि एक ही दिन में कम हो जाओगे। इसलिए एक दिन में आपको इंजरी जल्दी आ सकती है, इसलिए आप फॉरवर्ड बेंडिंग के मामले में आहिस्ता आहिस्ता, पहले 10 पहले दिन, फिर 15 रेपिटेशन, फिर 20, फिर 30। बस ये नहीं कि पहले दिन ही आप 30-30 के 3 सेट कर लेंगे तो अगले दिन ये पूरा पोर्शन आपका स्टिफ हो जाएगा और दर्द होगी, फिर फ़ायदा नहीं है, आप डॉक्टर के पास भागोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी लेडीज़ हो या लड़का हो या जेंट्स, कोई भी हो, आप घर के ऊपर मैं बता रहा हूँ कैसे घर में वर्कआउट कर सकते हो। नेक्स्ट सेट स्टार्ट, जंप। स्पॉट रनिंग। आप हमारे इस एपिसोड को देख के साथ साथ भी कर सकते हो, जैसे हम कर रहे हैं। आप टीवी, आप चैनल चला के आप खुद भी कर सकते हो, आपको बहुत फर्क लगेगा, देखना। ट्विस्टिंग, पीटी, रिलैक्स, फॉरवर्ड बेंडिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। मोस्टली आदमी मेरे पास आते हैं जब वेट कम करने के लिए, तो बोलते हैं सर डाइट देखो, डाइट। मैं फिर डाइट लिख देता हूँ, भैया छोले भटूरे खाओ, लस्सी पियो, बर्फ़ी खाओ, समोसे खाओ, डाइट अच्छी है घी वाली। मेरा ये कहना है कि आप डाइट से डाइट अच्छी वाली डाइट करनी है आपको, इन सब चीज़ों से बच के और सब्जियों की तरफ, फल की तरफ, सलाद की तरफ, सूप्स की तरफ और थोड़े बादाम, ये सब चीज़ें खानी है। पानी ज़्यादा पीना है, दिन में 3 बार 2-2 ग्लास गर्म पानी आप पियो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बाद में आप अगर पैसे हैं तो आप फैट बर्नर भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन मनी, बट मैं तो जो ओरिजिनल बात है वही मैं करता हूँ, आप वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सप्लीमेंट वाले मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। क्यों भाई, आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर पैसे हैं प्रोटीन भी ले सकते हो, ठीक है। चलो लास्ट सेट है, 10वां मिनट हो गया है, होने वाला है, चलो स्टार्ट, जंप। आप ही आओ, इनको साथ दे लो, तरुण स्पॉट रनिंग, ट्विस्टिंग, पीटी, रिलैक्स। अब थोड़ा ये करके लास्ट में थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है, चलो स्ट्रेच, स्ट्रेच योरसेल्फ, कम ऑन, रिलैक्स, पीछे हाथ बांधो, स्ट्रेच, स्ट्रेचिंग इज मस्ट, रिलैक्स, इससे मसल फ्लेक्सिबल रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, चोटों से रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। चलो स्ट्रेच, रिलैक्स, पैर खोलो, साइड बेंड, अदर साइड, रिलैक्स, फॉरवर्ड बेंड, रिलैक्स, रुचि आ गया, सुमित आ गया। आप यकीन मानना कि इन इतने भारी भरकम आदमी कैसे उछलेगा, वह मेरी गारंटी है। लास्ट एक घंटे लगातार ये दोनों तीनों सब बच्चे एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि पहले दिन जिम जाते हो, आप सोचते हो मैं गया, मैंने थोड़ी वर्जिश की, मेरा वज़न कम हो रहा है, मेरा वज़न, फिर आप खाना भी शुरू कर देते हो। नहीं, पहले हम स्टैमिना डेवलप करते हैं। अब 1-1 घंटा ये वर्जिश कर सकते हैं, और 1-1 घंटा अगर इन्होंने वर्जिश की तो नेचुरल बॉडी वेट डाउन जाएगा ना, समझ गए नहीं। तो जैसे भी है, कोई भी आदमी है, अगर उसको नॉलेज नहीं, मैंने पहले भी बोला था, वो जाता है कोई भी, जैसे बेसमेंट में या कहीं भी पानी भर गया, तो आप पहले पानी बाल्टियाँ निकालते जाओगे, उधर से खाते जाओगे तो पानी आता जाएगा। लेकिन अगर एक इंजीनियर समझदार होगा ना, वो पहले क्या करेगा, जहाँ से पानी आ रहा है उस पोर्शन को बंद करेगा। सो आई मीन टू से चेक योर डाइट फर्स्ट and then you start reducing weight. Check your diet first, पहले डाइट के ऊपर कंट्रोल लगाओ, फिर आप वेट रिड्यूस करो, आपको पक्का रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये 5-7 दिन में होने वाला नहीं है, बिकॉज आपकी बॉडी हैबिट्स आती हैं वेट लूजिंग की, वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। आज मैंने आपको ये दिखाया, नेक्स्ट टाइम आगे और मैं चल के दिखाता रहूँ। मैंने ये लेडीज़ भी कर सकती हैं, घर में बच्चियाँ भी मिल के, छत के ऊपर कहीं भी कर सकती हैं।